नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, वर्ष 2014 इंडियन सिनेमा के इतिहास का मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ष ऐसी कई फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया। तो आज हम 2014 की उन्हीं कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है फिल्म कैथी, जिसे डायरेक्ट किया था A.R. मुरुगदास ने, और इस फिल्म में थालापति विजय, समंथा रथ प्रभु और नील नितिन मुकेश ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में विजय ने दोहरी भूमिका निभाई है। इनमें से एक जेल में कैदी होता है, जबकि दूसरा गांव के विकास के लिए कार्य करता है। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने 164 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और सुपरहिट रही थी। नंबर 9 पर है फिल्म एक विलन, जिसे डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी एक साइको किलर पर बेस है, जो अकारण ही कुछ महिलाओं की हत्या करता है। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था और इसने 167 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और सुपरहिट रही थी। इसके बाद नंबर 8 पर है फिल्म टू स्टेट्स, जिसे डायरेक्ट किया था अभिषेक वर्मन ने। इस फिल्म में आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में थे। यह ऐसे दो परिवारों की कहानी है जिनकी संस्कृति आपस में मेल नहीं खाते, फिर भी इनके बच्चे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था और इसने वर्ल्ड वाइड 172 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और सुपर हिट रही थी। नंबर 7 पर है फिल्म हॉलीडे ए सोल्जर इज लवर ऑफ ड्यूटी, जिसे डायरेक्ट किया था A.R. मुरुगदास ने। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में थे। यह एक ऐसे सैनिक की कहानी है जो छुट्टियां मनाने के लिए घर आता है, लेकिन शहर में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयत्न करता है। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने 176 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और सुपरहिट रही थी। नंबर 6 पर है फिल्म जय हो, जिसे डायरेक्ट किया था सुहेल खान ने। इस फिल्म में सलमान खान, डेजी शाह, तब्बू मुख्य भूमिका में थे। यह एक ऐसे रिटायर्ड आर्मी अफसर की कहानी है जो समाज में हो रहे अपराध को रोकने के लिए संघर्ष करता है। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 135 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और हिट रही थी। नंबर 5 पर है फिल्म सिंघम रिटर्न्स, जिसे डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे। यह एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी है जो समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करता है। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने 220 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और हिट रही थी। इसके बाद नंबर 4 पर है फिल्म बैग बैग, जिसे डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। यह एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो कुछ देशद्रोहियों को पकड़ने के लिए कोहिनूर हीरे की चोरी करता है। एक्शन पैक्ड इस फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 365 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। नंबर 3 पर है फिल्म किक, जिसे डायरेक्ट किया था साजिद नडियाडवाला ने। इस फिल्म में सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, नरदीप हुड्डा, मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में थे। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो गरीब बच्चों के इलाज के लिए चोरियां करता है। इस फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने 402 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर रही थी। नंबर 2 पर है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, जिसे डायरेक्ट किया था फराह खान ने। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, अभिषेक बच्चन, मोहम्मद ईरानी और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। खराब कहानी होने के बावजूद दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया था। इस फिल्म का बजट 145 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 408 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और हिट रही थी। पहले स्थान पर है फिल्म पीके, जिसे डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म में आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, सौरभ शुक्ला और मोहम्मद ईरानी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में एक एलियन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है, परंतु उसका स्पेसशिप डिवाइस खो जाता है, जिसे पाने के लिए वह भारतीय धर्मों के बीच फंस कर बहुत संघर्ष करता है। इस फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए 854 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर रही थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक अवश्य करें और अपनी फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।